दोस्तों, कई बार किसी प्रॉब्लम का सलूशन एकदम सिंपल होता है, लेकिन हम उसका इलाज खोजते खोजते थक जाते हैं। ऐसा ही हुआ था चंदू के दोस्तों के साथ। उन्हें अपने दोस्त चंदू की चोरी की आदत छुड़वानी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे। आखिर उनके कॉलेज के प्रोफेसर ने चंदू की ये बुरी आदत आसानी से बदल दी। वो कैसे, आइए देखते हैं इस कहानी में। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुरेश, विनीत और चंदू बचपन के दोस्त थे। अब तीनों एक ही कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। तीनों अच्छे संस्कारी परिवार से थे, लेकिन चंदू की एक बुरी आदत की वजह से सुरेश और विनीत चिंतित रहते थे। ये देखो दोस्तों, है ना एकदम भारी। चंदू के हाथों में महंगी वाली घड़ी देख के सुरेश और विनीत चौंक जाते हैं। चंदू, ये कहाँ से उठाई तुमने? कल बस में मेरे बाजू में एक अंकल बैठे थे, उनकी बैग में से चुराई मैंने। चंदू की बात सुन के विनीत गुस्सा होता है। लेकिन चंदू, तुमने कसम खाई थी कि अब तुम चोरी नहीं करोगे, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ यार, आई नो, लेकिन चोरी करने के बाद मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। तुम लोग बेवजह टेंशन लेते हो यार, छोटी मोटी चोरी करने से कुछ पाप वाप नहीं लगता। ऐसा कहकर चंदू वहाँ से चला जाता है। समझ नहीं आता इसे कैसे सही रास्ते पे लाए। मुझे लगता है हमें विद्याधर सर से बात करनी चाहिए, वो जरूर इसका हल निकालेंगे। जिस कॉलेज में ये तीन दोस्त अपनी पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ विद्याधर मिश्रा नाम के एक सीनियर प्रोफेसर भी थे। विद्याधर साइकोलॉजी पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स में काफी प्रिय थे। हेलो सर। हेलो हेलो, एनी डिफिकल्टी इन न्यू चैप्टर? नो सर, एक्चुअली हमें आपकी मदद चाहिए। ओह, क्या मदद चाहिए? सुरेश और विनीत विद्याधर को चंदू की चोरी करने की आदत के बारे में बताते हैं। ये बात है, ठीक है, तुम कल चंदू को मेरे पास लेके आना। थैंक यू सर। अगले दिन तीनों दोस्त विद्याधर सर से मिलने आते हैं। हाँ चंदू, बोलो क्या कहना है तुम्हारा इस चोरी करने की आदत के बारे में? सर, दरअसल मैं ये आदत छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपने आप को गलत काम करने से नहीं रोक पाता। चंदू की बात सुन के विद्याधर सोच में पड़ते हैं। आई बात समझ में, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे मन का साथ नहीं दे रहा। क्या मतलब सर, हम समझे नहीं। समझाता हूँ। देखो, हमारा मन और दिमाग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी मन जो चीज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, दिमाग उसके विपरीत चलता है। ओके, मतलब चंदू का मन उसे चोरी ना करने की सलाह देता है, लेकिन दिमाग ये बात नहीं मानता। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब मैं क्या करूँ सर, मैं भी ये आदत छोड़ना चाहता हूँ। अच्छी बात है, अब तुम अपने मन से ये दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम दिमाग को तुम्हारे मन पे हावी नहीं होने दोगे। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। सुरेश और विनीत फिर से विद्याधर सर को मिलने आते हैं। अरे सुरेश, क्या हुआ, सब खैरियत है? नहीं सर, चंदू की चोरी करने की आदत अभी भी वैसे ही है। अच्छा, चंदू कहाँ है? आ रहा है आपसे मिलने। तभी चंदू वहाँ पहुँच जाता है। सर, आई एम सॉरी, मैंने आपकी सलाह के अनुसार आचरण करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। विद्याधर सर की बात सुन के चंदू अचरज में पड़ता है और अपने आप से नाराज हो जाता है। कोई बात नहीं, मुझे पता था ऐसे ही होगा। विद्याधर सर की बात सुन के तीनों दोस्त उलझन में पड़ते हैं। तो अब चंदू को क्या करना चाहिए सर? क्या उसे कभी भी इस बुरी आदत से छुटकारा नहीं मिलेगा? लड़कों की बात सुन के विद्याधर हंस पड़ते हैं। सर, अब मैं क्या करूं? बहुत आसान है, अब तुम जब भी किसी चीज की चोरी करोगे, उसके बाद ये बात तुम्हें मुझे और हमारी पूरी क्लास को बतानी होगी। विद्याधर की बात सुन के तीनों दोस्त अचरज में पड़ते हैं। इसका मतलब मैं चोरी कर सकता हूँ? बिल्कुल। विद्याधर सर की बात सुन के चंदू चकित हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, चोरी करो और आके सबको बता भी दो। विद्याधर की बात सुन के चंदू फूले नहीं समाता, लेकिन सुरेश और विनीत कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सुरेश और विनीत विद्याधर सर को मिलने आते हैं। सर, आज 10 दिन हो गए, लेकिन चंदू आपको मिलने नहीं आया। हाँ, तो क्या अब उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा? सुरेश और विनीत की बात सुन के विद्याधर हंस पड़ते हैं। हाँ, उसने चोरी करना बंद किया होगा। विद्याधर सर की बात सुन के सुरेश और विनीत अचरज में पड़ते हैं। ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान है। हम कुछ समझे नहीं सर। बताता हूँ, कोई भी इंसान अपनी गलतियां दूसरों के सामने खुलेआम बताने में या स्वीकार करने में झिझकता है, उसे हिचकिचाहट होती है, शर्मिंदगी का एहसास होता है। ओह, इसका मतलब यही बात सोचकर चंदू ने चोरी करना बंद किया। बिल्कुल सही।
तभी चंदू वहां आता है और विद्याधर सर की चरण स्पर्श करता है। अरे अरे उठो, इसकी कोई जरूरत नहीं। सर थैंक यू वेरी मच, आपके एक सिंपल सुझाव ने मेरी बरसों पुरानी चोरी करने की आदत छुड़वा दी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वेरी गुड चंदू। लेकिन क्या तुम्हें कभी भी चोरी करने की इच्छा नहीं हुई? हुई, एक नहीं कई बार हुई, लेकिन जब सर का सुझाव याद आता मेरे हाथ वही रुक जाते। विद्याधर सर और चंदू के दोस्त उसे शाबाशी देते हैं। चंदू, हमें बड़ी खुशी है कि आखिर तुम्हें चोरी करने की बुरी आदत से मुक्ति मिल ही गई। तो देखा दोस्तों, विद्याधर सर ने कैसे चंदू की चोरी की आदत आसानी से बदल दी। बेहतर यही होगा कि हम ऐसी गलत आदतों से दूर ही रहे और खुद के आनंद के लिए किसी और को मुसीबत में ना डाले या किसी का नुकसान ना करे। चलिए फिर, जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। मंजुला अपने माता पिता की इकलौती और लाडली संतान थी। उन्होंने मंजुला की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मंजुला ने भी कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही मंजुला ने पढ़ाई पूरी की, उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मंजुला बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। पिताजी, माँ, अब क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? मुझे नहीं जीना। मंजुला के अनाथ होने की बात सुन के उसकी दादी उसे सहारा देने आती है। बेटा मंजू, जो हो गया सो हो गया, शायद भगवान की यही मर्जी थी, तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा। जी दादी जी। क्योंकि मंजुला अब बड़ी हो चुकी थी और दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी, उनके मन में मंजुला की शादी का ख्याल आया। इतनी सुंदर लड़की बिल्कुल बेसहारा हो गई है, इसकी शादी कर लूँ तो मैं चैन से आखिरी सांस ले पाऊंगी। अगले ही महीने दादी ने मंजुला की शादी किसी पहचान वाले परिवार में कर दी। मंजुला का पति आकाश अपनी माँ के साथ रहता था। आकाश भले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन स्वभाव से बड़ा प्यारा और संस्कारी था। उसे कोई भी बुरी आदत नहीं थी। उधर निर्वाह के लिए आकाश रिक्शा चलाता था। मंजुला, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। नहीं, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। इस प्रकार मंजुला और आकाश अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। खाना बनाना, बूढ़ी सास की सेवा करना और घर के काम काज करना, इसी में मंजुला का पूरा दिन निकल जाता। ऐसे ही एक दिन बाजार जाते समय मंजुला को एक लड़की साइकिल चलाती हुई दिखाई दी। वाव, ये लड़की कितनी बढ़िया साइकिल चला रही है, काश मैं भी चला पाती। मंजुला को बचपन से ही रिक्शा या कार चलाने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन अचानक उसने आकाश से कहा, क्या आप मुझे रिक्शा चलाना सिखाओगे? मंजुला का सवाल सुन के आकाश चकित हो गया। क्या तुम्हें सचमुच रिक्शा चलानी है? जी दरअसल मेरी माँ और पिताजी मेरी इतनी फिक्र करते थे कि उन्होंने मुझे बचपन में साइकिल भी नहीं चलाने दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सपना साकार करूंगा, मैं तुम्हें कल से ही रिक्शा चलाना सिखाऊंगा। अगले ही दिन आकाश और मंजुला एक कम भीड़भाड़ वाली सड़क पे आए और आकाश मंजुला को रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे मंजुला बढ़िया रिक्शा चलाने लगी। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे और अचानक मंजुला पर फिर से पहाड़ टूट पड़ा। एक रोड एक्सीडेंट में आकाश का एक हाथ कट गया। बहू, आकाश तो अब रिक्शा नहीं चला पाएगा, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी अब? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। सास की बात सुन के मंजुला सोच में पड़ती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, नौकरी भी नहीं मिलेगी। तभी मंजुला की सास आकाश का रिक्शा ड्राइवर का यूनिफॉर्म लेके वहाँ आती है। बहू, इस यूनिफॉर्म का अब कोई फायदा नहीं, आकाश इसे देखकर और दुखी होगा, तुम इसे किसी गरीब को दे आओ। यूनिफॉर्म देखते ही मंजुला के आंखों में चमक आती है। जी माँ जी। मंजुला घर की कामकाज निपटा के आकाश का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलती है। दिन भर आकाश की रिक्शा चलाती है और शाम को घर लौटती है। आकाश, बहू कहाँ गई है, तुम्हें कुछ पता है? नहीं माँ, वो गई तब शायद मैं नींद में था। और मैं मंदिर गई थी, अब दिन ढलने को है लेकिन बहू का पता नहीं, मुझे चिंता हो रही है। तभी आकाश का यूनिफॉर्म पहने मंजुला वहाँ आती है। चिंता करने की कोई बात नहीं माँ जी। मंजुला को यूनिफॉर्म पहने देख सास और आकाश चकित हो जाते हैं। मंजुला, तुम? और तुम ये यूनिफॉर्म पहन के कहाँ गई थी? बहू, मैंने तो तुम्हें ये यूनिफॉर्म दान करने कहा था ना। हाँ माँ जी, लेकिन ये यूनिफॉर्म इनके लिए बहुत अमूल्य है। मंजुला की बातें सुन के सास और आकाश भावुक हो जाते हैं। माँ जी ये लीजिए, 500 रुपए, मेरी आज की कमाई,
अब हमें गृहस्थी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब आज तुमने हमारी रिक्शा चलाई? जी हाँ, और ये मेरी पहली कमाई है। आपकी ट्रेनिंग आज इस कठिन वक्त में हमारे काम आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मंजुला की समझदारी देख के उसकी सास उसे शाबाशी देती है। बहू, तुम सचमुच में हमारा अभिमान हो। हर घर में तुम्हारी जैसी समझदार बहू होनी चाहिए। हम सचमुच भाग्यवान हैं। विलासपुर गांव में पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई है। गांव के किसान बेहाल हैं। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। हमें लगता है गांव छोड़ के शहर चले जाना चाहिए, कुछ ना कुछ काम धंधा मिल ही जाएगा। अरे भाई, अपना घर जमीन छोड़ के कोई पराई जगह जाता है क्या? तो आप ही बताइए, गुजारा कैसे करें? कुछ उगाएंगे नहीं तो परिवार को क्या खिलाएंगे? ये सारी चर्चा सुनने वाले गांव के बुजुर्ग सुखदेव एक सलाह देते हैं। मुझे लगता है वरुण राजा को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी पूजा और हवन कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, सुखदेव भैया ठीक कह रहे हैं। सभी लोग पूजा और हवन करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, 10 दिन बाद गांव में छोटी सी पूजा और हवन कर लेंगे। उसी रात सुखदेव का पोता शरद शहर से गांव आता है। शरद शहर में साइंस की पढ़ाई कर रहा है। सुखदेव उसे गांव का हाल बयां करता है। बस अब सब कुछ वरुण राजा की कृपा पर निर्भर है। दादाजी, पापा ने कुछ पैसे भेजे आपके खर्चे के लिए। हाँ हाँ बेटा, मैंने कल ही फोन किया था बबलू को। दादाजी, यहाँ सूखे की वजह से इतनी परेशानी है, तो आप हमारे साथ शहर क्यों नहीं चलते? नहीं बेटा, पूरी जिंदगी गुजर गई इसी गांव में, अब आखिरी सांस भी यही लूंगा। बस इस सूखे पर कोई इलाज मिल जाए। शरद दादाजी की बात सुन के सोच में पड़ जाता है। दूसरी सुबह दादाजी शरद को उठाने जाते हैं, लेकिन शरद अपने बिस्तर पर नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये लड़का? कुछ देर बाद दो गांव वाले सुखदेव के घर आते हैं। सुखदेव चाचा, ये आपके पोते को क्या हुआ है? क्यों क्या हुआ है भाई, चलिए हमारे साथ, खुद ही देख लीजिए। सुखदेव गांव वालों के साथ अपने खेत पर जाते हैं और वहाँ का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। शरद, ये क्या कर रहे हो बेटा? दादाजी, मैं पानी जमा करने के लिए यहाँ छोटा सा तालाब तैयार कर रहा हूँ। तालाब बना रहा है ये। ये क्या मजाक कर रहे हो भाई, पिछले 3 साल से यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी है। ये शहर के लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं। बेटा, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो बेवजह? बारिश नहीं आई तो तुम्हारे सारे परिश्रम बेकार हो जाएंगे। सुखदेव और गांव वालों की बातें सुनकर शरद सिर्फ हल्के से मुस्कुराता है। दादाजी, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा ना, कोशिश करने में क्या बुरा है। शरद की बात को गांव वाले हंसी मजाक में लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो मैं कल 2 लोग और तुम्हारी सहायता के लिए भेजता हूँ। हाँ दादाजी, वो बहुत अच्छा होगा। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शरद 2 मजदूरों की मदद से एक छोटा सा तालाब खोद लेता है। एक तरफ सुखदेव अपने पोते की मेहनत देख रहा है और दूसरी तरफ गांव वाले उस पर हंस रहे हैं। सुखदेव के पोते का दिमाग खराब हुआ है। वरुण देवता के साथ साथ उसके लिए भी पूजा करवाते हैं। गांव वालों की बातें सुन के सुखदेव को बुरा लगता है। उस रात अचानक बादल गरज उठते हैं, धुआंधार बारिश होने लगती है, गांव वाले खुश हो जाते हैं। दूसरे ही दिन गांव वाले नुक्कड़ पर जमा होते हैं। रात की बारिश की वजह से सारे खुश हैं। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली, इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। लेकिन कल रात की बारिश की वजह से सिर्फ ऊपरी जमीन गीली हुई है, नीचे की मिट्टी सूखी की सूखी है, और अब फिर बारिश कब होगी पता नहीं। अब जुटाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर से बारिश नहीं हुई तो बुवाई करना मुश्किल होगा। तभी सुखदेव और शरद वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हम हमारे खेत में दोनों कर सकते हैं। सब लोग आश्चर्य से शरद को देखते हैं। वो कैसे बेटा? चलिए हमारे साथ। सब लोग सुखदेव के खेत पहुँचते हैं और वहाँ पानी से भरा तालाब देख दंग रह जाते हैं। ओह, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं चाचा, बस मैंने थोड़ी आगे की सोची और आने वाला कल अच्छा बनाने के लिए आज कोशिश की। सही कहा तुमने बेटा, इतने पानी में सुखदेव आराम से खेती कर सकता है। वाह बेटा, लोगों के तानों ने तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं किया। सरपंच जी की बात सुन के बाकी के गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। काश हमने भी हमारे खेतों में तालाब खोदा होता, अब पता नहीं कब बारिश होगी, होगी भी या नहीं।
मेरे पोते ने आज हमें ये सीख दी है कि कल अच्छा बनाना है तो आज पे काम करो। खराब परिस्थिति के बारे में सिर्फ सोचते बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, वो तो एक ना एक दिन बदल ही जाएगी। और हाँ, हमें उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए तैयार भी रहना जरूरी है। शाबाश बेटा, आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी। सारंगपुर में रहने वाला कुमार अब कॉलेज जाने लगा था। कुमार पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत की वजह से उसके माता पिता चिंतित रहते थे, और वो आदत थी किसी को भी बेवजह परेशान करना और उसका आनंद उठाना। बेटा कुमार, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उस गरीब कीड़े को। नहीं बाबूजी, देखिए ना कितना मजा आ रहा है। कुमार, अब तुम बड़े हो गए हो, किसी को बेवजह परेशान करना बुरा है बेटा। हाँ माँ, लेकिन अभी मैं छोटा हूँ, और बड़ा हो जाऊंगा तो आदत छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। ये कुमार का हमेशा का जवाब था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। कॉलेज का समय हो रहा है, निकलो अब। हाँ निकलता हूँ। चलो चलो, देर हो रही है। हाँ, वरना क्लास के बाहर मुर्गा बना के खड़ा करेंगे टीचर। हाँ, और पिंकी ने तुम्हें वैसे देख लिया तो। शट अप, साइकिल चला। तभी कुमार की नजर सड़क के किनारे खड़े एक मोटरसाइकिल पे जाती है। आसपास कोई दिख नहीं रहा। कुमार को फिर से मस्ती करने की सोचती है। सुनो, जरा मस्ती करते है। अब क्या करना है तुम्हें यार, लेट हो रहा है हमें। वो देखो कितनी भारी बाइक है ना, इतना अच्छा मौका हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। क्या करोगे तुम? पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डरपोक, यहाँ कोई नहीं है। इस बाइक का मालिक शायद झाड़ी में नेचर्स कॉल के लिए गया है। कुमार चुपके से जाके बाइक के पिछले टायर की हवा निकाल देता है, और तीनों दोस्त थोड़ी दूरी पे झाड़ियों में जाके छुप जाते हैं। यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो आदमी किसी अर्जेंट काम से बाहर जा रहा होगा तो। चिल डूड, अर्जेंट होता तो रास्ते में रुकता नहीं। कुछ समय बाद एक नौजवान झाड़ी से बाहर निकलता है और बाइक के यहाँ पहुँचता है, और बाइक का पिछला टायर पंचर देख परेशान हो जाता है। अरे यार ये क्या हुआ? ओह शिट, अब मैं प्रिया से मिलने वक्त पर कैसे पहुँचूं? अब तो मेरी शादी होने से रही। यहाँ झाड़ियों में तीनों दोस्त हंस रहे हैं। देखा, कोई अर्जेंट काम नहीं था उस बाइक वाले को, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। कई बार समझाने के बाद भी कुमार के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। एक दिन कुमार के नाना जी उनके घर कुछ दिन रहने आते हैं। कैसे चल रहा है सब कुछ रेवती बेटा? जी बढ़िया है पिताजी। और हमारा लाडला नाती कुमार कैसा है? उसी की थोड़ी चिंता है पिताजी। रेवती अपने पिताजी को कुमार के बर्ताव के बारे में बताती है। तुम टेंशन मत लो, वक्त के साथ साथ आ जाएगा उसमें बदलाव। एक दिन कुमार और नाना जी गाँव में घूमने निकलते हैं। तो कुमार, कॉलेज लाइफ कैसे लग रही है? यूनिफॉर्म नहीं, टीचर की डांट नहीं। हाँ नाना जी, बहुत मजा आ रहा है, हर रोज नए कपड़े। लेकिन यहाँ भी लेट होने पर मुर्गा बनाते हैं। ओ सच में? शायद टीचर्स को लगता होगा तुम अभी भी बड़े नहीं हुए हो। सब बड़े अपने अपनी सुविधा के अनुसार कभी हमें बड़े बनाते हैं या कभी छोटे। चलते चलते दोनों एक मंदिर के पास पहुँचते हैं। मंदिर बिल्कुल खाली है। बाहर सीढ़ियों के पास जूतों की एक जोड़ी है, शायद कोई एक आदमी अंदर गया है। कुमार को मस्ती करने की इच्छा होती है। नाना जी, अगर हम ये जूते कहीं छुपा दे तो कितना मजा आएगा ना। लेकिन क्यों बेटा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? आनंद नाना जी, आनंद। जब वो आदमी उसके जूते के लिए परेशान हो जाएगा, रोएगा, तब सोचिए हमें कितना मजा आएगा। नाना जी समझ जाते हैं कि यही सही मौका है कुमार को अच्छी सीख देने का। कुमार, आज कुछ अलग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नाना जी कुमार को 10 रुपए के 6 सिक्के देते हैं, और उस आदमी के हर जूते में 3-3 सिक्के रखने के लिए कहते हैं। नाना जी, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। देखते हैं, हो सकता है फायदा भी हो। नाना जी और कुमार थोड़ी ही दूर सीढ़ियों पे बैठ के उस आदमी का इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर में वो आदमी बाहर आता है। उसकी हालत काफी खराब दिख रही है। यह आदमी बहुत गरीब और भूखा प्यासा लग रहा है ना नाना जी। शायद मुसीबत में है। गरीब आदमी बाहर आके अपने जूते पहनने लगता है। तभी उसे जूतों के अंदर रखे हुए सिक्कों का एहसास होता है। वो सिक्के निकालता है। अरे ये क्या, 10 रुपए के 3 सिक्के, ये कहाँ से आए? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर वो दूसरे जूते में पैर डालता है, और फिर उसे 10 रुपए के और 3 सिक्के मिलते हैं। आदमी खुशी से रोने लगता है, भगवान को धन्यवाद देता है।
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने किसी भले आदमी को मेरी मदद करने की बुद्धि दे दी। अब मैं अपनी बीमार बेटी के लिए दवा खरीद सकता हूँ, उसे खाना खिला सकता हूँ। आदमी खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। नाना जी कुमार की ओर देखते हैं। कुमार की आंखें भर आई है। क्यों कुमार, अब बताओ, तुम अगर उस गरीब आदमी के जूते छुपाते तो तुम्हें ज्यादा खुशी मिलती कि अब उस गरीब आदमी की मदद करके तुम्हें ज्यादा आनंद मिला है? मैं समझ गया नाना जी आप क्या कहना चाहते हैं। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बेटा, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करो। तुम्हारा मजाक किसी को महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन तुम्हारी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है।